ओम श्री गणेश आय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं पहले हम ब्लेसिंग्स। ओ माय गॉड, सो मेनी ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू पाइसेस, तो इनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी। ओ सो यहाँ पे हमारे पास भगवान श्री जगन्नाथ की, माता पार्वती की, श्री रामचंद्र की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और भगवान श्री वरुण देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो आप सबके दर्शन कर लीजिए, मैं एक एक करके आपको करवा देती हूँ दर्शन। माता पार्वती जी हैं यहाँ पे, भगवान श्री जगन्नाथ हैं, और श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, और आप देख सकते हैं भगवान श्री बजरंग बली भी हैं, और यहाँ पे वरुण देव भी हैं। डिफीट ऑफ एनिमीज, ठीक है, दुश्मनों का खात्मा, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, जो भी अड़चने आ रही हैं आई थिंक वो दूर होने वाली है। स्ट्रेंथ, आपको अगर कुछ भी सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपको भगवान वो करेज दे रहे हैं, वो हौसला दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एंड यूनियन विद द स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो आपका ट्रू पार्टनर कहीं ना कहीं तो जरूर है, और जल्दी ही आपके सामने आएगा, क्यों, माता पार्वती की ब्लेसिंग्स है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कब आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलेगा। तो माता पार्वती आपके साथ, और साथ में गणेश जी भी हैं, ठीक है, उनकी गोद में आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड फियरलेसनेस, देखिए आप लॉयन वाली, यहाँ साथ में लॉयन भी है ना, तो शेर जो है वो माता की सवारी है, तो वो एक स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्णा जी को मानते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पे तो मोक्ष की प्राप्ति भी लिखा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में जब आप एक उस स्टेट में चल जाते हैं, इन द सेंस कि क्या बोले कि स्पिरिचुअली यू आर सो कनेक्टेड विद द डिवाइन, तो आपको भगवान उन चक्रों से आजाद कर देते हैं, ठीक है, और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन सर्विस ऑफ गॉड। तो भगवान को मानना, भगवान के साथ कनेक्ट करना, उनकी सर्विस में रहना, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। श्री रामचंद्र, फिडेलिटी इन मैरिज, ओबीडियंस एज वर्च्यू, सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस। और देखिए फिडेलिटी इन मैरिज इज ऑल्सो अबाउट कि अपना जो पति धर्म या पत्नी धर्म अच्छे से निभाना, और तो इन दर्शन कीजिए, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल ट्रूथफुल है, अगर ट्रूथफुल पार्टनर। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, और सुपर हुमन पावर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे प्यारे पाइसेस की तरफ की, एबिलिटी टू इंक्रीज वन एटीट्यूड, सेल्फलेस सर्विस, बजरंग बली कहते हैं ना, भगवान श्री बजरंग बली जो है वो शिव जी का ही रूप है, शिव जी रूप धारण करके आए। तो सेल्फलेस सर्विस मतलब क्या बोले कि उन्होंने अपने भगवान की भक्ति की थी बिल्कुल सेल्फलेस होके, तो वही देखिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब अंदर ही आप बहुत स्ट्रोंग महसूस करेंगे, और जो चीज़ें हैं गलत हैं उनके साथ कैसे अंदर ही अंदर, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि बाहर लड़ना, बट हाँ कैसे आप स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं, कैसे आप चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, वो चीज़ है। नेविगेशन, सक्सेस इन फिशिंग, फॉरगिवनेस, इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे वरुण देव है, ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशंस, तो एक वो अट्रैक्शन हो सकती है, लव, सो मेनी ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लीजिए, दैट्स इट। तो आगे शुरू करते हैं पाइसिस के लिए, व्हाट एल्स वी आर गेटिंग। चलिए रिलेशनशिप की रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। इन ब्लेसिंग्स को मैं यहीं पे रखूंगी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, ठीक है, कि पाइसिस लव लाइफ में जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अभी सिचुएशन क्या चल रही है पहले तो ये देखें, है ना, क्या सिचुएशन चल रही है, ओके। सिचुएशन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट
कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपके थोड़ी बहुत दोबारा से कम्युनिकेशन हो रही है, मे बी यू आर कनेक्टिंग विद योर सोलमेट राइट नाउ. हो सकता है कोई है, कोई बात हो रही है या हो सकती है, और देयर समबडी यू आर टॉकिंग टू, ये चीज हो सकती है. मिसिंग ईच अदर, थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, या ट्राइंग, यू नो, ट्राई, समबडी ट्राइंग टू कम्युनिकेट. चलिए और देखते हैं एनर्जी क्या है. ओके, स्टिल आप क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है. आप ऐसा लगता है दैट यू आर सीकिंग, यू नो, लाइक कि राइट पार्टनर आए, बिकॉज आपके मन में बहुत प्यार है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन कब आए, है ना. इट्स अबाउट दैट. सो धीरे धीरे आप उस चीज में से निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है. क्रॉस रोड्स पे है रिलेशनशिप, स्टिल आपको अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो डाउटफुल है आपकी तरफ से. वो और क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं, और ये जो पर्सन है ना, दे आर जस्ट काइंड ऑफ इग्नोरिंग. हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं या ऑन ऑफ करते रहते हैं आपकी लाइफ में. दे आर नॉट, यू नो, क्लियरली शोइंग व्हाट दे वांट. ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है प्यार है, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे. रिस्ट्रिक्टेड है, इमोशंस तो है बट कुछ कर नहीं रहे हैं. किंग ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब फीलिंग्स है इमोशन, लेकिन अपने ही इमोशंस को बांध रखा है, ठीक है. पाइसिस को क्या करना चाहिए? तो आई थिंक पाइसिस आपको इस लूप से बाहर निकलना चाहिए. एंजल्स कह रहे हैं एट ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो ये अपने आप को बिल्कुल इस लूप में से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो ये ऑन ऑफ करते रहेंगे. यू हैव टू शो दैम क्लियर पिक्चर, बस ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है. आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफेंसिव एनर्जी आ रही है, और हो सकता है कि ये पर्सन ना बार बार आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, या हो सकता है कि किसी टॉक्सिक उसमें है, एनर्जी में है, और टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न में है ये, और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं. इस वजह से ये सब कुछ हो रही है, चीज़ें हो रही हैं. तो आपके लिए यही है कि आप नई शुरुआत कीजिए, ठीक है. आप नई एनर्जी में टैपिंग कीजिए. अब जो लोग तो मैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए क्या सिचुएशन है? अगेन लेट गो. एंजल्स कहना चाहते हैं कि लेट गो, डोंट यू नो, लाइक अपने आप पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए. डू व्हाट यू फील लाइक, आपको जो ठीक लग रहा है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है. मैरिड लोगों के लिए देना चाह रहे हैं गाइडेंस एंजल्स. और देखते हैं व्हाट एल्स, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस. थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैं करना चाहूंगी कि क्या, ओके, वेडिंग का कार्ड आ रहा है, दिस कुड बी द वन. सो यहाँ पे अब जो लोग बिल्कुल टोटली सिंगल है उनके तो भाई बहुत अच्छी बात है, टाइम स्टैम्प कर लीजिए. सिंगल्स, वेडिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है दिस कुड बी द वन, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, ठीक है. अब जो लोग किसी रिलेशनशिप में है, यहाँ पे हमारे पास एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है. दैट मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज, मतलब कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है. वर्थ वेटिंग फॉर, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि घबराइए मत, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा खुद पे संयम बना के रखिए. क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है इट्स वर्थ वेटिंग फॉर. तो जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जस्ट ब्रिंग द फोकस, ब्रिंग द एनर्जी ऑन द पॉजिटिव थिंग, कि पॉजिटिविटी पे वो एनर्जी लेके आइए, ठीक है ना कि नेगेटिव चीज़ें सोचिए. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं. भगवान आपको कहते हैं ना, भगवान आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स निछावर कर रहे हैं, बट ऑल यू नीड टू डू इज कि पॉजिटिव सोचिए, ठीक है. द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, इसका मतलब है कि जल्दी ही या तो शादी हो सकती है, या हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक हो जाएं, और आई थिंक दोबारा से आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकती है, एक बॉन्ड जो है, हो सकता है आपके पार्टनर को ये धीरे धीरे समझ आ जाए कि येस दिस इज द फैक्ट, ठीक है. हो सकता है कि वो ऐसी किसी सिचुएशन में हो और प्रॉब्लम्स आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, और फिर आपने खुद से प्यार करना सीखा, तो फिर एक सेपरेशन फेज आ गया, ये ना, और फिर आई थिंक इट्स अबाउट फॉरगिविंग एंड लर्निंग. तो आप एक पैटर्न में से बाहर निकल रहे हैं, बहुत यू नो, जो भी इश्यूज थे, और एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. अब ये सबके लिए अलग सिचुएशन है. व्हाई? क्यों? क्योंकि कोई मैरिड है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, और कोई सिंगल है जो सिचुएशन को देख रहा है. अब पास्ट का तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस. अब वो किस वे में आपको रिलेट करती है वो आपको देखना है, ठीक है. हाँ, एक बार मैं जरूर और देखना चाहूंगी कि पाइसेस के लिए, ठीक है, जो लोग भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है,
आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव टू कीप पेशेंस. मुझे मुझे ऐसा लग रहा है स्टावो मोमेंट दिखाई दे रहा है. इट्स अबाउट दैट कि अब वो वक्त आ चुका है क्रॉस रोड्स पे, यू नो, और चेंज, यस, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग और अ न्यू स्टार्ट. और हो सकता है कि रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है, अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है. तो आप स्ट्रांग रहिए, आप अपने आप में हैप्पी रहिए, ठीक है. कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आई मीन टू से. चलिए अब हम करियर की फटाफट से बात कर लेते हैं पाइसेस की. करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? सो करियर वाइज ये हफ्ता जो है, आई थिंक इट्स अबाउट गुड लक. गुड लक लाइक फॉलोड बाय गुड लक. हो सकता है कि कुछ चीजें हैं, मे बी अगेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत है, कुछ चेंज इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं. इट्स अबाउट दैट. कुछ फाइनेंसिस को लेके हो सकता है आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, बट एंजल्स हैं आपके साथ, नॉट टू वरी, ओके. और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सडन गुड लक और अ चेंज इन योर फेवर, ओके. और शायद हो सकता है कि कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ भी है तो उसको लेके आपके माइंड में लाइक डबल माइंडेड, अरे कैसे होगा कैसे होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल. कि हाँ थोड़ा आपको हो रहा है कि यस आपके माइंड में कुछ है कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, बट फाइनेंसेस ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एंड देयर इज लॉट टू सेलिब्रेट अबाउट. और जैसे जैसे आप सोच रहे थे वैसे वैसे हो रहा है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि यस स्टिल शायद कुछ है आपके माइंड में, मे बी यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट समवेयर, थोड़ा आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं आपका कोई प्लान कुछ कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट बाइंग समथिंग और इन्वेस्टमेंट, यू नो, देख लेते हैं. व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं. आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन, ओके. और तो एंजल्स कह रहे हैं कि दोनों साइड, सिचुएशन की दोनों साइड देखिए, आप कहाँ हैं, पहले कहाँ थे और आगे, और अपना काम ईमानदारी से करते जाइए, ठीक है. जो भी आप कर रहे हैं, ऑनेस्टी, एंजल्स कह रहे हैं कि अपना काम जो है वो आप ईमानदारी से करते जाइए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, सब कुछ होगा. यू पोजेस अ गिफ्ट ऑफ द सोल्स, ठीक है. आई पोजेस द गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स. तो एंजल्स कह रहे हैं ये सोचिए, ये अब खुद से बोलिए कि आप अपनी लाइफ में यू हैव सर्टन गिफ्ट्स, ठीक है. भगवान ने आपको वो लाइफ जो है वो गिफ्ट दी है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो शायद हर किसी के पास ना हो, तो ये भगवान का गिफ्ट समझिए, ठीक है. और अपनी लाइफ में बस पॉजिटिव सोचते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है. और हिम्मत मत हारिए, तो आज नहीं तो कल आपको डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी. फटाफट से देख लेते हैं वो गाइडेंस टू बी हैव इन द एंड, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट इट बी. एंजल्स कह रहे हैं कि कंट्रोल मत कीजिए सिचुएशन को, ठीक है. हमारे पास लवर्स एनर्जी आ रही है, शिव शक्ति, यिन एंड यांग, सेल्फ लव एंड बैलेंस. कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है, और सेल्फ लव में आने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है. यहाँ पे हमारे पास मास्टर द कार्ड, मास्टर दैट मीन्स कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आप जो आपको यू नो आप जिनमें बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो वो एक डिवाइन एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मान के चलिए, ठीक है. अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा, बट यू हैव टू बैलेंस, ठीक है. वो इनर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो इंटरनल लव. एंड मोर ओवर एक और चीज़ जो आ रही है, जस्ट सो 117 हो सकता है ये नंबर आपको दिखता हो, कि प्यार कुछ भी कीजिए, इट शुड बी आउट ऑफ लव, ठीक है. अगर यूनियन नहीं हुआ, आपको लग रहा है यूनियन नहीं हो रहा है, तो लव में आने की ज़रूरत है. दैट इज़ यू लाइक ऑलवेज keep giving loving energy, मतलब बस वो love energy, you know, वो reflect करते जाइए. I'm falling short of words, ठीक है, fumble कर रही हूँ. Why? Because वो energy है. तो angels शायद यही कहना चाह रहे हैं कि प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और जो आप काम करते हैं उनसे प्यार कीजिए, वट एवर, बट इट शुड बी आउट ऑफ लव. और फिर वही चीज होगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है ना. तो बस एंजल्स यही चाहते हैं आपसे. तो यार दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर.